अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिजवाना हैदराबादी किचन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। सिंपल सी और आसान सी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो नाश्ते में बनाने के लिए आप इसे चाहे तो आप दाल कढ़ी के वक्त के साथ भी आप बना सकते हैं। तो सिंपल है और आसान सी है, रोटी के साथ भी इसे खा सकते हैं आप, बन ब्रेड या पाव के साथ भी इसे आप खा सकते हैं। सो सिंपल और आसान सी रेसिपी है मसाले अंडे की। तो चलते हैं हम मसाला अंडा बनाने की तरफ। बनाने की तरफ और हम शुरू करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मैं जो है ना तेल गरम को रख दी थी, इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन डालने के बाद यहाँ पर मैं मिर्ची डालूँगी। मिर्ची आपके अंदाज के हिसाब से डाल लीजिए, कम ज़्यादा। इसके साथ मैं इसमें डालूँगी नमक, थोड़ी सी हल्दी। ये बहुत मज़े का बनता है, आप इसे ज़रूर रोटियों के साथ ट्राई करिए या पाव के साथ भी आप इसे खा सकते हैं, ब्रेड के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। सिंपल सी रेसिपी है और सिंपल सा नाश्ता है और बहुत मज़ेदार नाश्ता बनता है। यहाँ पर मैं ज़ीरा पाउडर डालूँगी थोड़ा सा और इसी के साथ धनिया पाउडर भी डालूँगी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और मैं इसे मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला भी डालूँगी टेस्ट के लिए, यहाँ पर नींबू भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं रख रही हूँ बॉइल्ड एग, इसमें डालूँगी। अब हम इसे नीचे ऊपर करके मिक्स कर लेंगे। ऑलरेडी मैं ना ये अपलोड करे हुई हूँ वीडियो, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल मसाला बना रही हूँ, आप शॉर्ट वीडियो में भी जाके इसे देख सकते हैं। वो मैं कुछ अलग तरीके से बनाई थी, मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ झटपट बनने वाला मसाला अंडा। और यहाँ पर मैं टेस्ट के लिए हरी मिर्ची डालूँगी। अगर चाहे तो आप थोड़ा चटपटा करने के लिए चाहे तो चाट मसाला या नहीं तो आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा रेडी हो गया झटपट बनने वाला नाश्ता, ब्रेड और रोटी के साथ इसे सर्व करिए। तो यहाँ पर मैं आपको सर्व करते हुए बताऊँगी। और इसी के साथ मैं थोड़ा इस पर कोथमीर और पुदीना डालूँगी, इसके बगैर तो रेसिपी अधूरी है। जो है ना हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है मसाले अंडे की। तो ज़रूर आप ये रेसिपी को ज़रूर अपने घर पे बनाइए, खाइए और ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरी रेसिपी मसाले अंडे की कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर मेरी रेसिपी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कीप सपोर्ट मी लाइक।